अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत कुछ नया हो रहा है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। आज आपको कुछ ऐसे इंजीनियर से मिलवाएंगे जिन्होंने खर्चा भी खुद किया और चीज़ भी तैयार की और आज हुकूमती सरपरस्ती के जो है मुंतज़िर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडस यूनिवर्सिटी के अंदर और ये होनहार जो तालिबे हैं, इन्होंने एक बाइक ली जो कि एक पुरानी बाइक थी और उसके साथ क्या कुछ किया इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम हमें बताएं और ये बताएं कि आज क्या किया आपने बाइक के साथ और ये किस ईयर के हैं और किस तरह आपने जो है वो एक बाइक को एक अलग शक्ल दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अशाम है, मैं बी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट फाइनल ईयर इंडस यूनिवर्सिटी का हूँ। हमने जो बाइक डिज़ाइन करी है वो हाइब्रिड रेस्क्यू बाइक है, पाकिस्तान फर्स्ट हाइब्रिड रेस्क्यू बाइक है। ये जो है वो कोरोना वायरस के केसेज या पेट्रोल शॉर्टेज की वजह से एम्बुलेंसेज के अंदर, तो ये आइडिया वहाँ से आया था कि इस तरह की कुछ डिज़ाइन किया जाए जो इस प्रॉब्लम को टैकल करें। तो इसलिए डिज़ाइन करा था, इसमें बेसिक दो कॉन्सेप्ट हैं, एक हाइब्रिड बाइक है और एक हमारा स्मार्ट हेलमेट है। वो पैरामेडिक की असिस्टेंस के लिए कहीं भी उसको ज़रूरत हो तो वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पूरे ग्रुप ने काम किया है तो हम इस पूरे ग्रुप से ही बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि क्यों मुनफरिद है आपकी बाइक, आपकी एम्बुलेंस की ये जो आपने सर्विस बनाई है, इसके लिए कितना टाइम लगा और ये क्यों मुनफरिद है, क्या कुछ इसमें करना पड़ा और कितना ड्यूरेशन आपको लगा था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मुनफरिद इसलिए है कि ये दूसरों से मतलब मुनफरिद इसलिए कि हमारे पास लाहौर में इस वक्त जो इलेक्ट्रिक बाइक की सर्विस अवेलेबल है 1122 की, पर जो हमारी बाइक है वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब कम्बिनेशन ऑफ टू सोर्सेस, जिसमें इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों पे है। और अगर देखा जाए तो टाइम हमारे को इस पर काफ़ी लगा है, मतलब 1 ईयर्स का हमारा FIB का प्रोजेक्ट होता है जो हमें कंप्लीट करना होता है 1 ईयर में, तो उसको हमें कंप्लीट करते हैं 1 ईयर लगा है। और जो हमने इसमें यूज़ करे हैं अपने सारी के हैं, तो हमने एक किट में यूज़ करी है जो कि हमने चाइना से मंगवाई है, उसमें से हमारी मोटर है BLDC मोटर, उसके साथ हमारी एक बैटरी है लिथियम आयन की और उसके साथ हमारा एक कंट्रोलर है और एक थ्रोशोल्ड है जो कि हमने इसमें लगाया है और जो इजीली हम इलेक्ट्रिक पे मूव करा सकते हैं इसको। कुछ बताना चाहेंगे अपनी इस एम्बुलेंस के हवाले से? एम्बुलेंस के हवाले से यही बताऊँगा कि हमारा FIB प्रोजेक्ट था और हम चारों ग्रुप ने कम्प्लीट मिलकर इसमें स्ट्रगल की और एट द एंड हमें यह अचीव हुआ कि हमारे जो गोल्स थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो हमने अचीव कर लिए। और इसी के साथ हम प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन्स में भी गए डिफरेंट, जिसके अंदर पोस्टर कॉम्पिटिशन भी थे और प्रोजेक्ट और पोस्टर दोनों में हमारी फर्स्ट पोजिशन है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो हमने अचीव कर लिए। सारी अच्छी बातें तो हमने इस बाइक के बारे में जानी, लेकिन अब मसला ये होता है कि जब 10 महीने या 11 महीने का जो ड्यूरेशन था और उसमें जो मेहनत आप लोगों ने की, उसमें मुश्किलात भी बहुत सारी आई होंगी, क्योंकि अभी एक पैंडेमिक से हम बाहर निकले हैं, कोरोना का जो सिचुएशन रही उसमें यूनिवर्सिटीज बंद थी, तो क्या मुश्किलात पेश आ रही थी और क्या किस तरीके से मैनेज किया इसको बनाने के लिए? दूसरा, इतना बड़ा अमाउंट, मतलब अगर हम एक सर्विस की बात करें तो ये अमाउंट छोटा है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए 1,80,000 रुपये निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो कैसे मैनेज किया? तो क्योंकि हमें जो इसके हमारे कॉम्पोनेंट्स से जो उसका हमने परचेजिंग की, हमें उसमें काफ़ी इशू आ रहा था लॉकडाउन की वजह से, हमने इसके चंद कॉम्पोनेंट्स जो हमने चाइना से इसको इम्पोर्ट किया है। और इसके अलावा जहाँ तक इसकी कॉस्ट की बात है, तो ये हमारे अपने स्टूडेंट्स ने, हम लोगों ने खुद इसको अरेंज किया और हमारे आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे यही हुकूमती सतह पर मुतालबा है कि इसको हमें फंडिंग की जाए, हमें इसको हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, तो हम इसको मज़ीद इसको मॉडिफिकेशन के साथ इसको और ज़्यादा अच्छा बेटर किया जा सकता है। कितनी सपोर्ट रहती है टीचर्स की इस तरह के काम में, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सर खाया जाए तो टीचर्स कहते हैं बस कर दें और चले जाएं अब आप लोग, तो टीचर्स की क्या सपोर्ट रही आप लोगों को और कितना जो है वो ये लगा कि टीचर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं और जब ये तैयार हुई तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? क्योंकि अगर एक चीज़ के पीछे दिन रात मेहनत करो तो घर वाले भी बोलेंगे कि ऐसा क्या बना रहे हैं जो बिल्कुल दुनिया से ही कर चुके हैं, तो ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कंप्लीट फैकल्टी थी उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया और हमारे जो सुपरवाइज़र थे डॉक्टर इंजीनियर अहमद मुदस्सिर खान, वो अभी HOD भी है और डीन भी है हमारे फेस्ट डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिया, काफ़ी हमारी हेल्प की हर चीज़ में। जब भी हमें उनका टाइम चाहिए तो उन्होंने हमें टाइम प्रोवाइड किया, ऐसा नहीं कि हमें बोला हो कि इस टाइम टाइम, हालाँकि वो हेड है डिपार्टमेंट के, पर वो अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ हमें भी एक अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे, आउटपुट दिया और सब कुछ अच्छे से हुआ। बाकी रही घर वालों की बात, तो उन्हें भी हमने बताया कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट हाइब्रिड बाइक है तो हम पहली बार डिज़ाइन करने जा रहे हैं,
तो इनका रिस्पांस भी पॉजिटिव था और उन्होंने हेल्प की, क्योंकि ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम पर पर्सन की बात करें, फोर ग्रुप मेंबर्स हैं, तो 45,000 तक आ रहा है। तो ये भी उनकी तरफ से काफ़ी अच्छी सपोर्ट थी और बाकी उनकी दुआओं का नतीजा क्या। अच्छा, हमने देखा कराची में बेहंगम ट्रैफिक होता है, कोई कहीं से भी आ जाता है, सिग्नल कोई भी तोड़ देता है, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन अगर कहीं ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हों तो रोक लेते हैं, अदरवाइज कोई सुनने को तैयार नहीं होता। तो मुझे ये बताओ कि इस पूरे सिनेरियो में ये बाइक कैसे मूव करेगी, क्योंकि एम्बुलेंस तो अक्सर हम देखते हैं ट्रैफिक में फंसी हुई होती है, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे करंट का इशू हो, तो अक्सर एम्बुलेंसेज खड़ी हुई नजर आती हैं और मरीज उसमें मौजूद होते हैं, तो ये बाइक वहाँ पहुँचने में कितनी मददगार साबित होती है। देखिए, ये बाइक तो इजीली मतलब कोई भी हमारे कंजेस्टेड एरियाज होते हैं या कोई भी यहाँ पर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पाती है, जिस तरह कहीं भी एम्बुलेंस जाए और कोई भी ऐसी जगह होती है जहाँ एम्बुलेंस अंदर नहीं जा सकती, तो ये बाइक हमारी इजीली मूव कर सकती है, अंदर आराम से मूव कर पेशेंट को हम जाके फर्स्ट एड दे सकते हैं। कोई भी पेशेंट को किसी भी चीज़ की नीड है, जिस तरह की हमने इसमें एक स्मार्ट हेलमेट बनाया हुआ है और मिनी कैमरा आगे लगाया हुआ है, अगर हमें किसी भी रैपिड रिस्पॉन्स की नीड पड़ रही है तो हम कंट्रोलर रूम से कम्युनिकेट करके इजीली पेशेंट को उसी टाइम फर्स्ट एड दे सकते हैं। और कोई भी मतलब इस तरह के एरियाज हैं जहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती, तो हमारी बाइक इजीली वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमती सतह पर के इसकी सपोर्ट होनी चाहिए? जी, ये तो एक गोल यही है कि जो बाइक हमारा मेन डिज़ाइन करने का था, ये गोल है कि जो हमने चीज़ें इंडिया चाइना से परचेज करी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट हो या प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट हो, तो किसी के साथ मिलके जो हमने मोटर्स वगैरह किट वगैरह चाइना से इंपोर्ट करी है उनको पाकिस्तान में बिल्ड किया जाए। ये कोई ऐसी इंडस्ट्री बनाई जाए कि अगर ये बाइक आप किसी लोकल के पास भी लेके जाएँ, किसी मैकेनिक के पास भी लेके जाएँ, तो वो बंदा भी इसको ईजिली बिल्ड कर सके, इसको किसी इंजीनियर की ज़रूरत ना पड़े इसके ऊपर, इसको लोगों में मार्केटर्स किया जाए। बिल्कुल, ये इंजीनियर्स तो पुरअज़म हैं और इनका यही कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स क्लैप्स हो जाती हैं और वो जगह नहीं होती कंजस्टेड एरिया की वजह से, अक्सर रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और एम्बुलेंस जब पहुंचती है, जब पेशेंट जो है या तो उसकी डेथ हो चुकी होती है या इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। लेकिन इस एम्बुलेंस के ज़रिए ये इनिशियली इस हेलमेट के थ्रू, इस एम्बुलेंस के थ्रू जो है वो उन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम कर उनकी जान बचा सकते हैं। और कराची में, खासकर पाकिस्तान में अगर हम ओवरऑल बात करें, लेकिन कराची का जो बेहंगम ट्रैफिक है उसकी वजह से अगर हम कहें कि शराब को कम किया जा सकता है, अमवात की भी और एक्सीडेंटल शराब भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसे भी कम किया जा सकता है, तो बहुत अच्छी सर्विस तो है। लेकिन अगर हुकूमत इन स्टूडेंट्स को और इन जैसे दूसरे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सपोर्ट कर दे और इनकी फील्ड में ही इनको कोई चीज़ ऐसी प्रोवाइड की जा सके जिससे ये अपने टैलेंट को दुनिया के सामने पेश कर सकें, तो बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। फिर एक नए टैलेंट के साथ आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, एक नई जगह से फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानत।